नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर मैं अपने किस्सा गोई परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। इस बार का स्वतंत्रता दिवस कुछ मायनों में बिल्कुल अलग है। 2 अगस्त को मन की बात कहते हुए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम इस साल स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ऐसे में आप जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं उसमें डीपी में तिरंगा अगर लगाएंगे तो राष्ट्र की भावना, राष्ट्र की एकता की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना सबको दिखाई पड़ेगी। सब आप लगाएंगे, दूसरे भी प्रेरित होंगे और आज आप स्वयं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगी डीपी का एक बार अच्छे से अगर आप देखेंगे तो उसमें 70% से ज़्यादा तिरंगा ही डीपी में मिलेगा। तिरंगे के साथ अपनी फोटो, तिरंगे के साथ परिवार की फोटो, तिरंगे के साथ आपके अपने जो भी जानने वाले हैं, आपके जो जो आपके लिए शुभ हैं, जो आपके लिए मान्य हैं, जो आपके लिए बड़े हैं, उनकी फोटो उसी के साथ आपको डीपी दिखाई देगी। और फिर उसके बाद एक नारा हुआ, हर घर तिरंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों से अपील भी की और उनको एक सुझाव भी दिया कि आप अपने घरों पर तिरंगा लगाएं। आपको इस आज़ादी, जो बरतानिया हुकूमत से हमें यह आज़ादी मिली थी, कितने कष्ट से मिली थी, कितनी कुर्बानियों के बाद मिली थी, कितने स्ट्रगल से मिली थी, कितने लोग जेलों में सड़े, कितने लोगों की जानें गईं, आप उसका एहसास करेंगे जब आप अपने घरों पर तिरंगा लगाएंगे। आज मैं परिवार के साथ लखनऊ शहर में एक कार्यक्रम में गया था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, तिरंगे से पटा हुआ है लखनऊ। कोई घर, कोई दुकान, कोई प्रतिष्ठान, फुटपाथ पर अपना छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले लोग भी एक छोटा तिरंगा ठेले वाले, रेड़ी वाले, और देखकर जिसे कहते हैं मन भर गया। अमीनाबाद में फुटपाथ पर, जो एक धर्मशाला है उसके फुटपाथ पर, 2-3 मोची लोग बूट पॉलिश का काम करते हैं। बहुत पुराने हैं, 20 साल से मैं उन्हें देख रहा हूं, वो या उनके परिवार के लोग। उन्होंने भी 2 ईंट के टुकड़ों को जोड़कर उनके बीच में एक तिरंगा अपनी, जहां वो फुटपाथ पर बैठ के ये कार्य काम करते हैं, तिरंगा लगा रखा था। वो बच्चों वाला जो 15 अगस्त को, पहले ये तिरंगे 15 अगस्त को सवेरे स्कूलों के आसपास बिका करते थे। स्कूल में जाने वाले बच्चे अपने पेरेंट्स से जिद करके 1 या 2 तिरंगा खरीद लिया करते थे। आज पूरे लखनऊ शहर में चौराहों पर, बड़े बड़े बाजारों में, सब जगह तिरंगे की दुकानें खुली हुई हैं। तिरंगा और उसके साथ जिसमें आप लगाएंगे वो बांस हो, डंडा हो, एल्युमिनियम की छड़ हो, ये सब अलग अलग मिल रहे हैं, अलग अलग साइज के मिल रहे हैं। और आप यकीन करिए, रक्षाबंधन के दिन मिठाई की दुकानों पर जितनी भीड़ थी, उतनी ही भीड़ आज झंडा खरीदने वालों की थी, आज भी और कल शाम को भी। इस कदर राष्ट्र प्रेम से ओत प्रोत इस बार का स्वतंत्रता दिवस है, इस बार का 15 अगस्त है। हम यूपीडा में जिन एक्सप्रेसवेज को देखते हैं,
बुंदेलखंड और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे वहां आने जाने वालों को देखिए, पूरे एक्सप्रेसवे पे आपको झंडे मिलेंगे, सभी टोल्स पर आपको झंडे मिलेंगे। हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया कि आज और कल जो भी वाहन चालक हमारे टोल से होके गुजरेंगे, हम उन्हें प्रणाम करेंगे, एक छोटा झंडा, जो सबसे छोटा वाला जो मैं बता रहा हूँ बच्चों वाला आता है, वो उनको भेंट करेंगे। वो चाहे उसे गाड़ी के अंदर लगा लें, चाहे उसे गाड़ी के बाहर कहीं पर फंसा दें, वो हवा के वेग से या हवा के दबाव से वो न टूटने वाला है और न उड़ के जाने वाला है। आज भी पूरा दिन और कल भी पूरा दिन एक्सप्रेस वे से गुजरने वाले सभी, छोटी गाड़ियां हों, बड़ी गाड़ियां हों, ट्रकें हों, ट्रॉला हों, सभी के ड्राइवर्स को, चूंकि वो अपने आप टोल पे रुकेंगे, टोल पे करने के लिए उनके जो फास्टैग होंगे उनसे टोल कटेंगे या कैश देंगे, उसी एक दो मिनट में उनको ये बताते हुए कि आपको आज़ादी का अमृत महोत्सव मुबारक हो, शुभकामनाएं, बधाइयां, और एक छोटा झंडा हमें देंगे। आज भी पूरा दिन यही हुआ और कल भी पूरा दिन यही हुआ। इससे रिलेटेड एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमारे मोहल्ले में कोने में एक टेलरिंग शॉप है, छोटी टेलरिंग शॉप है, विराट मार्केट में बहुत छोटी सी टेलरिंग शॉप है। वहां पर मैंने देखा वो उनके जितने भी चार या पांच कारीगर थे, वो सवेरे 8 बजे से कम से कम 10 दिन से केवल झंडा सिल रहे हैं। आज मैं उनसे मिला, उनसे पूछा कि भाई आप कितने दिन से, बोले साहब 10 दिन से जहां जहां से ऑर्डर मिल रहे हैं, कहीं कहीं तो कपड़े दे जा रहे हैं, हमें सिलाई दे देते हैं सिर्फ, कहीं कहीं हम कपड़ा ले आते हैं और उसको सिलते हैं। मैंने कहा कुछ फायदा भी है? अरे बोले साहब, त्योहारों के सीजन में, शादियों के सीजन में, सहालत जब बहुत जबरदस्त होती है तो कपड़ों की सिलाई, वही हमारा सीजन होता है साल भर में, उसमें जो पैसे बचते हैं, जो उस सीजन में कपड़े की सिलाई में जो पैसे मिलते हैं, साल भर हम उसी से काम चलाते हैं। लेकिन इस बार तिरंगे की इस मैन्युफैक्चरिंग में, इस सिलाई में, इस बनाने में हमें जितने पैसे मिले हैं उतने कभी हमारे व्यवसाय में नहीं मिले थे। दूसरी बात, हजरतगंज में खादी भंडार में खादी के झंडे ट्रेडिशनली 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर स्कूलों में, जो सरकारी प्रतिष्ठान हैं उनमें लगाए जाते थे, खादी के ही झंडे खादी आश्रम में आसानी से मिल जाते थे, और इस बार सरकारी इमारतों में लगाने के लिए बल्क में वो झंडे खादी आश्रम से खरीदे गए। किसी भी खादी आश्रम में झंडे इस समय नहीं मिल पाएंगे आपको। उनका पुराना 10 साल 15 साल पुराना भी स्टॉक अगर कहीं रखा हुआ है वो भी बिक गया। खादी ग्रामोद्योग, खादी दरअसल महात्मा गांधी ने जब अंग्रेजी हुकूमत के समय ये कहा कि साहब ये कपड़े हम ही को बेचते हैं, हम इनके कपड़े खरीदते हैं, इनकी बड़ी बड़ी कपड़ा मिलें ब्रिटेन में उससे फ़ायदा उठाती हैं और हमें गुलाम बनाकर रखा गया है, विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का एक आंदोलन चलाया था बापू ने, चलाया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, चलाया था, चौराहे चौराहे विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। तो लोगों ने उनसे प्रश्न पूछा कि ठीक है हम विदेशी कपड़े हैं, उनको लाभ हो रहा है, हम नहीं पहनेंगे, लेकिन फिर हम पहनेंगे क्या? तब बापू ने खादी का आंदोलन चलाया था, और ये खादी का आंदोलन देश के आज़ाद होने के इतने दिन बाद भी खादी ग्रामोद्योग से संबंधित जो गांव हैं, जो कस्बे हैं, जहां लोग आज भी सूत निकाला करते हैं, उन्हें खादी ग्रामोद्योग को बेचते हैं, उनसे जो खादी के कुर्ते पैजामे पहनने के कपड़े, अब तो बहुत बढ़िया मॉडर्न कुर्ते खादी में मिल रहे हैं, खादी का सिल्क, सिल्क की साड़ियाँ,
तो देश भर के खादी ग्रामोद्योग के जो जो आउटलेट्स थे उनमें ये तिरंगे झंडे बेचे गए, और उनका जो घाटा अगर रहा होगा, मुझे बहुत इसकी स्टेटिस्टिक्स का आइडिया नहीं है, तो खादी ग्रामोद्योग का ये घाटा भी इस बार पूरा हुआ होगा। किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, स्वेच्छा से लेने वालों की कतार लगी हुई है। तो इस तरह से या इस मायने में ये स्वतंत्रता दिवस एकदम अलग है। आप मकानों की बात कर रहे हैं, दुकानों की, छोटे छोटे वाहन लेकर, स्कूटर, ऑटो, टैक्सी, मोटरसाइकिल, अगर कोई वाहन है तो एक झंडा उसने जरूर लगा रखा होगा। कहीं ऐसा नहीं है कि पुलिस रोक कर ये चेक कर रही है कि भाई तुमने झंडा क्यों नहीं लगाया। ये स्वतः स्फूर्त भावना है, राष्ट्र के प्रति प्रेम है, राष्ट्र के प्रति समर्पण है, जो एक जुनून के रूप में आज हमारे सामने है। आप अपने अपने मोहल्लों में, अपने कस्बों में, अपने गाँव में इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। मेरी इतनी लंबी उम्र में स्वतंत्रता दिवस मनाने का ये जुनून मैंने कभी नहीं देखा था। तमाम बार युद्ध के समय, तमाम बार परेशानी के समय भी हर साल 15 अगस्त आया, लेकिन ये जुनून जो इस बार का है वो कभी नहीं देखा गया। मैं एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी का अभिवादन करता हूँ, सबको इस आज़ादी की बधाई देता हूँ, सबको इस स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ, और शुभकामनाएँ कि हमारा देश अक्षुण्ण रहे, हमारा देश ऐसे ही स्वतंत्र रहे, हमारा देश दिनों दिन तरक्की करे, हमारे देश का अंतिम आदमी भी देश की इस आज़ादी को महसूस करे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने व्यवसाय के लिए वो इस आज़ादी को महसूस करे। मेरा कर्तव्य था किस्सा कोई परिवार को आज एक बार फिर से इस जुनून को जगाने का। अगर कोई रह गया हो कम से कम किस्सा कोई परिवार में, तो वो ज़रूर अपने घरों पर झंडा, अपने घरों पर तिरंगा लहराए, छोटा ही सही, बहुत कम पैसे में भी मिल रहा है, आपको बहुत शौक़ है तो थोड़े पैसे और लगाकर एक तिरंगा खरीदिए और बच्चों के साथ सवेरे लगाकर उसका झंडारोहण करिए, राष्ट्रगान गाइए। आप देखिए बच्चों और आपके अंदर कितनी करंट, कितनी बिजली पैदा होती है। अब आज का वाक्य, 4-5 अप्रैल 2017 को आधी रात को रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड के जिले रुद्रप्रयाग के कोतवाली थाना इलाके के राजस्व क्षेत्र, रेवेन्यू का जो इलाका है, कोटबांगर में 44 साल की सरोजनी की हत्या होने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, देखा घर में तमाम सामान अस्त व्यस्त, महिला की लाश घर के पीछे ही एक गड्ढे को खोद के गाड़ दी गई। लाश का पता इसलिए भी लगा कि 3 दिन से भीषण बारिश हो रही थी, और जो गड्ढे को खोद के ऊपर मिट्टी भरी गई थी वो धीरे धीरे करके बह गई। महिला घर में थी नहीं, बारिश जब निकली लोगों ने देखना शुरू किया, आसपास ढूंढना शुरू किया, तो तमाम मिट्टी बह जाने के बाद महिला का शव 3 दिन बाद उस गड्ढे में दिखाई पड़ा। पुलिस पहुंची, राजस्व पुलिस। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड देश का एकमात्र राज्य है, एकमात्र, जहां पर डुअल पुलिसिंग होती है। पूरे राज्य का 58% इलाका रेवेन्यू पुलिसिंग या रेवेन्यू पुलिस के हाथ में है, शेष रेगुलर पुलिस, जहाँ रेगुलर पुलिसिंग होती है। रेवेन्यू पुलिसिंग को इस तरह समझिए कि पटवारी को अगर FIR और इन्वेस्टिगेशन की पावर दे दी जाए तो वो रेवेन्यू पुलिस हो जाएगी।
पटवारी यानी राजस्व के अधिकारी, जिन्हें हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में पहले ये पटवारी ही कहा जाता था इनको, बाद में स्वर्गीय प्रधानमंत्री चरण सिंह जी ने इस पूरी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया था। बहुत भ्रष्टाचार और बहुत सी शिकायतों के बाद उसे ख़त्म कर दिया, अब लेखपाल कहते हैं उन्हें। तो रेवेन्यू पुलिसिंग का जो आइडिया जो वहाँ सदियों से चल रहा है, ब्रिटिश पीरियड से बल्कि चल रहा है उत्तराखंड में, वो ये है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स को उस इलाके के पटवारी को FIR करने, अरेस्ट करने और विवेचना करने के अधिकार मिले हैं। एकमात्र राज्य है ये देश में जहां दो तरह की पुलिसिंग होती है, रेगुलर पुलिस की पुलिसिंग और रेवेन्यू पुलिस की पुलिसिंग। हालांकि इस डिस्क्रिपेंसी की वजह से 2018 में उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने यह आदेश किया कि ये रेवेन्यू पुलिसिंग यानी पटवारी की पुलिसिंग का जो सिस्टम है इसको धीरे धीरे कर समाप्त कर दिया जाए और इसकी जगह रेगुलर पुलिसिंग कराई जाए। लेकिन सरकार ने इसका विरोध किया और इस आदेश के अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, जहां अभी मामला पेंडिंग है। वैसे ये उनके भीतर का मामला है, या जो लोग इस पटवारी, इस रेवेन्यू पुलिसिंग को वहां प्रैक्टिकली कर रहे हैं, देख रहे हैं, या जो पुलिसिंग इस हिसाब से कर रहे हैं, इसके फ़ायदे नुकसान के बारे में वो ज़्यादा बता सकते हैं। हम दूर से बैठ के इसके फ़ायदे नुकसान या उसके पीछे के तर्क को नहीं बता सकते, लेकिन जो मेरा विचार है, व्यक्तिगत विचार है, कि पुलिसिंग एक ही तरह की होनी चाहिए, चाहे जहां हो। पुलिसिंग को दो भागों में बांट के पुलिसिंग करना, अब हो सकता है वहां जो इसका तरीका है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट न होता हो, लेकिन जिस केस का मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और शायद इसी तरह के किसी मामले को सुनते हुए हाई कोर्ट ने कहा होगा कि रेवेन्यू की पुलिसिंग यानी पटवारी सिस्टम ऑफ पुलिसिंग इसको फौरन समाप्त किया जाए फेज वाइज, और रेगुलर पुलिसिंग उन इलाकों में की जाए। उनके इलाके अलग से डिमार्केटेड हैं, ये हिल पट्टी कुमायूं और गढ़वाल रीजन के, वहाँ पर ये रेवेन्यू पुलिसिंग आज भी होती है। तो बहरहाल रेवेन्यू पुलिस उस मौके पर पहुंची, उसने उसका पंचनामा कराया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आसपास के कुछ लोगों और मजदूरों पर उस समय रेवेन्यू पुलिसिंग पुलिस के लोग गए और उन्होंने संदेह जताया, एक एक करके ले गए, उनसे पूछताछ की, लेकिन कुछ निकला नहीं। इस बीच में रुद्रप्रयाग में इस घटना को लेकर तमाम धरना प्रदर्शन शुरू हो गया और ये मांग की गई कि रेवेन्यू पुलिस के पास संसाधनों की कमी होती है, इसलिए इसे रेगुलर पुलिस को विवेचना के लिए दे दिया जाए। SI जहांगीर को, रेगुलर पुलिस के SI जहांगीर को इसकी विवेचना का काम दे दिया गया। SI जहांगीर ने पहला काम किया, मौके को अच्छी तरह से देखा। बारिश हो गई थी, फुटप्रिंट मिलने का सवाल नहीं था। बारिश हो गई थी, अगर कोई ऑब्जेक्ट वहाँ होता तो फिंगरप्रिंट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए फिंगरप्रिंट का भी वो भी नहीं मिल सकता था। सामान्य रूप से क्राइम करने वाला कुछ न कुछ मौके पर छोड़ जाता है, लेकिन बारिश के कारण अगर वो छूटा भी होगा या तो बह गया होगा या मिट्टी में दब गया होगा। बहरहाल जहांगीर को कोई भी चीज ऐसी नहीं मिली जिससे विवेचना को आगे बढ़ाया जा सके। जहांगीर सुबह वहां जाते थे, जो पास में छोटा सा बाजार है वहां बैठते थे, लोगों से बातचीत करते थे, गांव में जाते थे, लोगों से बातचीत करते थे। दो चार दिन के बाद एक बात यह आई कि घटना से कुछ दिन पहले, कुछ देर पहले जिस दिन घटना हुई थी, दो युवकों के गांव में हेलमेट लगाकर गांव में आने की बात सुनी गई। उसको और गहराई से पूछा गया तो पता लगा
कि दूर के रिश्ते में कोई महिला से बेटे की जन्म कुंडली लेने आया था और चला भी गया, लेकिन यह पता नहीं लगा कि वो दूर का रिश्तेदार कौन था। वहां की एक छोटी चाय की दुकान, उत्तराखंड में छोटी छोटी जो चाय की दुकान स्थानीय लोग रखते हैं, वहां पर बैठे बैठे चाय पीते पीते जहांगीर को यह पता लगा कि वहीं पर आकर महिला के बारे में या महिला का पता दो लड़कों ने जो मोटरसाइकिल पे आए थे उन्होंने पूछा था। दुकानदार को महिला का पता था। दुकानदार ने महिला को फोन किया और ये बताया कि आपसे मिलने के लिए आपके फला फला रिश्तेदारी में दो लड़के आए हुए हैं, लेकिन जो नाम बताया गया सोनू या मोनू, उस नाम का कोई रिश्तेदार नहीं था। बहरहाल एक बात ये तय हो गई कि जो दो लोग आए थे उन्होंने उसी दुकानदार से कह के उसको फोन कराया था। जहांगीर ने वहां उसकी टावर की लोकेशन नोट की और उस जगह का डंप डाटा मोबाइल फोनों का उठाया। दूसरी जगह वो घर जहां उसका कत्ल हुआ था वहां का मोबाइल डाटा उठाया। तीसरी जगह उन लोगों ने वहां ये बताया था कि वो बस अड्डे से आ रहे हैं। उन दोनों में से एक बस से कहीं से आया था, कुछ बहाना उसने बताया था कि उनसे मिलना ज़रूरी है, और दूसरा उसे लेने के लिए मोटरसाइकिल पर बस अड्डे गया था। जहांगीर ने इन तीन जगहों के मोबाइल टावर्स के डंप डाटा इकट्ठा किए, मृतका के घर के, उस चाय की दुकान के जिसके दुकानदार ने मृतका से फ़ोन से बात की, और बस अड्डे से। लाखों कॉल इस बीच में उनको मिली। अब उसको धीरे 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 एनालाइज करने पर उन्हें पांच ऐसे मोबाइल मिले जो तीनों जगह पर उस समय उपस्थित रहे थे, जैसे मृतका का घर, चाय की दुकान और बस अड्डा। उन पांचों से अलग अलग बातचीत की गई, लेकिन जिन दो नंबरों से बातचीत करने में बहुत, जिसे कहते हैं कि बहुत सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला, उसका पता, उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, उस पर शंका हुई। जहांगीर कुछ दो तीन सिपाहियों को लेकर उसके घर पहुंचे तो ये पता लगा कि आपराधिक पृष्ठभूमि का ये लड़का है, इस पर चोरी और छोटी मोटी लूट के कई मुकदमे थे। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। जैसे ही पूछताछ शुरू की उसने कहा कि अगर तुमने और आगे कुछ पूछा, मैं समझ रहा हूं तुम लोग मुझे मर्डर में फंसाना चाहते हो, मैं सुसाइड कर लूंगा। मेरा क्या मतलब है उसके मर्डर से? चार छोटे मोटे मुकदमे क्या कायम हो गए कि जब देखो तुम दरवाजा खटखटा देते हो? बहुत हो गया, अगर आगे पूछताछ करोगे मैं यहीं आग लगा लूंगा। पुलिस डर गई और वहां से चली आई, लेकिन उसके फोन की निगरानी जहांगीर ने बनाए रखी, उसके कॉल डिटेल हर 24 घंटे बाद निकाल के, और उसे वो मॉनिटर करता रहा। अचानक एक दिन कर्णप्रयाग में जाकर करीब दिन में 11 बजे उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। शाम को कर्णप्रयाग से ये सूचना आई कि वहां मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों ही मैं मोटरसाइकिल के नीचे गड्ढे में चले गए, खाई में चले गए। खाई ऐसी बीहड़ है, खाई कई सौ फीट नीचे थी कि गांव वालों ने कोशिश की, मोटरसाइकिल तो मिली लेकिन उन दो लड़कों की लाश अभी तक नहीं मिली। जगह वही थी जहां पर वो मोबाइल फोन बंद हुआ था, इसलिए जहांगीर वहां भी गए। भीड़ इकट्ठा थी,
नीचे जाने के रास्ते से जहांगीर नीचे भी गए, नीचे उसकी मोटरसाइकिल मिली। लेकिन उन दोनों का, जिन दो लड़कों का बताया जा रहा है, नंबर प्लेट उसमें कोई थी नहीं। पुरानी मोटरसाइकिल थी लेकिन लड़कों का कोई पता नहीं लगा। जहां से एक्सीडेंट होना और उनका वहां से नीचे गिरना बताया गया, वहां पर एक जोड़ी जूता जिसके फीते खुले हुए थे वो पड़े हुए मिले। खुले हुए डीएमएस बूट जिसका लेस खुला हुआ था वो मिले। जहांगीर का माथा ठनका। जहांगीर ने सोचा एक्सीडेंट में अगर कोई बाइक सहित नीचे खाई में चला गया तो जूते के फीते कैसे खुल सकते हैं। उनके दिमाग में ये बात घूमती रही। इसी बीच में आपराधिक पृष्ठभूमि के उसी व्यक्ति ने, उसी व्यक्ति के घर वालों ने पुलिस को ये सूचना दी कि हमारा लड़का पुलिस के पूछताछ से इतना घबरा गया था, इतना व्यथित हो गया था कि वो घर से कह के निकला था कि मैं आज आत्महत्या कर लूंगा। और जो मोटरसाइकिल बताई गई उसी पर जाने की बात उनके घर वालों ने पुलिस को इत्तला की, बल्कि लिख पढ़ के कागज दिया कि पुलिस के दबाव, पुलिस के उत्पीड़न, और साथ में जो जोड़ देते हैं कि पुलिस तो हमेशा पैसे के चक्कर में आती रही है, पैसा नहीं दिया गया तो उसको वो खोलना चाहते हैं इस मर्डर में। एसआई जहांगीर को ये समझ में आया कि जरूर इसमें कुछ न कुछ दाल में काला है। हल्ला वहां हुआ, एक्सीडेंट हुआ, घर वाले कह रहे हैं सुसाइड किया, लाश कहीं मिली नहीं। जहांगीर इससे दबाव में नहीं आए। जहांगीर ने उसके सीडीआर में जितनी बी पार्टी थी, उनके जो दोस्त थे, एक एक करके बुला के उनसे पूछताछ शुरू की। पूछताछ उनके 10 या 11 कांटेक्ट के लोगों से जब की गई तो ये तय हो गया कि ये उसी ने ये प्लान बनाया था कि जब आत्महत्या का शोर हो पुलिस बैकफुट पे आ जाएगी और मैं 4-6 महीने के लिए यहां से चला जाऊंगा, ये मामला खत्म हो जाएगा। दोस्तों ने ही उसके छिपने की जगह भी बता दी। जहांगीर अपने पुलिस बल के साथ गए और उसको पकड़ कर ले आए। अब सब बात साफ हो गई थी। विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ बाकी थी, झटका पूछताछ भी संभव थी। पुलिस ने किया, सारी वारदात शीशे की तरह साफ हो गई। महिला के घर में पुराने जेवरात होने की सूचना थी। महिला गहनों की शौकीन थी, कभी कभी जो वहां उत्तराखंड के तीज पर्व होते हैं उसमें वो भारी गहने पहन के निकलती थी। उन्हीं गहनों की लूट के लिए महिला की हत्या कर दी थी दोनों दोस्तों ने, जिन्होंने अपने आप को मरना डिक्लेयर कर दिया था एक्सीडेंट में, और सारे गहने वहां से लूट कर एक स्थानीय सुनार को बेचकर काफी पैसा दोनों को मिला था जो उन्होंने आपस में बांट लिया। एसआई जहांगीर ने उस समय के एसपी प्रहलाद मीना को पूरी बात बताई कि साहब इसमें इस तरह से हमारे पास एविडेंस है, इस तरह से उन्होंने कोशिश की है और ऐसे ऐसे अब हम उसको गिरफ्तार करके ले आए हैं। चश्मदीद कोई नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही एक सहारा था। एसआई जहांगीर ने कॉल डिटेल, कॉल रिकॉर्ड, डंप डाटा, उन दोनों का
एक जगह पे जाके मोबाइल का बंद कर देना, मोबाइल की बरामदगी, उससे जो रिट्रैक्ट हुआ दोनों दोस्तों की आपस की बातचीत, उसमें जो जो सोशल मीडिया पे उन दोनों की आपस की बात हुई वो सब निकाल कर 20 दिन में चार्जशीट सबमिट कर दी। और जहांगीर ने इस बात का बीड़ा उठाया कि हम अदालत में भी इसका पीछा करेंगे, प्रहलाद मीना से रिक्वेस्ट करके इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए आदेश कराया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई भी हुई और 20 महीने में ही मुकेश थपलियाल और सत्येश कुमार और सोनू ये हत्या के दोषी पाए गए और इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई 20 महीने में ही। और लूट का सामान खरीदने वाले सुनारों अवधेश शाह और राजेश रस्तोगी को 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जहांगीर एसआई जहांगीर के इस आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेशन, पुलिस पर मैं बार बार कहता हूं आरोप लगाना बहुत आसान, बहुत सस्ता, और सस्ते आरोप लगाना तो और आसान, लेकिन एक सब इंस्पेक्टर ने पीछा करके एविडेंस इकट्ठा करके कड़ी से कड़ी जोड़कर असली हत्यारे को अदालत के सामने प्रस्तुत किया। सारे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य ही थे, सारे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। गवाह सिर्फ वही थे, वो दुकानदार जिससे उसको फोन कराया था, उस दुकान पर मौजूद लोग, एसआई जहांगीर जो पहली बार गया और उसने मुकेश थपलियाल ने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, उनके घर वालों की वो दरखास्त के साथ वो आत्महत्या करने के लिए कह के घर से निकला था, पुलिस की प्रताड़ना से उसने आत्महत्या कर ली होगी, लाश ढूंढकर पुलिस हमें दे, इन सारे साक्ष्यों पर उन दोनों को एसआई जहांगीर की प्रभावी पैरवी जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से की जाती है उसमें उनको फांसी की सजा हो गई। अभी 5 दिन पहले गृह मंत्रालय से पूरे देश में आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेशन वर्क करने वाले पुलिस कर्मचारियों को गृह मंत्री के मेडल से नवाजने के लिए एक लिस्ट निकली थी, आप नेट पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं, और उत्तराखंड से 2 लोग शायद उसमें चयनित थे जिसमें एक एसआई जहांगीर भी था। मैं एसआई जहांगीर को सलूट करता हूं, बधाई देता हूं, पुलिस में रह के उन्होंने पुलिस का जो मान बढ़ाया है, पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, हमारी पुलिस की किताबों में जो हमें काम अलॉट किया गया है वो यही है, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। ये वीआईपी ड्यूटी, बंदोबस्त, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब बाद में ऐड हुए, पुलिस जब बनी थी तो वो इसी काम के लिए बनी थी, और जो असली काम था जहांगीर ने उसको मन लगा के किया। आज 15 अगस्त को दिल्ली में जहांगीर को उत्कृष्ट विवेचना के लिए गृहमंत्री का ये मेडल दिया जाएगा, जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी डीजीपी श्री अनिल रतूड़ी और बाकी सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने जहांगीर को उसकी इस काम के लिए, उसके इस आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए गृहमंत्री के मेडल से नवाजे जाने की बधाई दी है, और ये भी कहा है कि ये दूसरों के लिए नज़ीर है कि अगर आप लगे रहेंगे, अगर आप पीछा करेंगे, अगर आप कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए दिन रात एक करेंगे तो आप असली अपराधी तक जरूर पहुंचेंगे। आज की घटना पुलिस के का जो असली काम है, पुलिस का अथक प्रयास और बहुत ही उम्दा इन्वेस्टिगेशन, बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन का
अच्छा उदाहरण है, एक ब्लाइंड मर्डर जिसमें शुरुआत करने के लिए कुछ नहीं था, किसी के पास कोई क्लू नहीं था, न तो महिला के घर वालों के पास कोई क्लू था, किसी तरह का कोई क्लू किसी के पास नहीं था, तब भी ऐसे में अपराधियों तक पहुंचना, और सिर्फ पहुंचना ही नहीं, अपराधी को सजा दिलवाना, 20 दिन में चार्जशीट और 20 महीने में अपराधियों को सजा, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि किसी को इतनी जल्दी सजा हो गई। और एक और मैं बात आपको बताऊं, मेरा एक सम्मान आया है, मेरी पहली पोस्टिंग जो 90 में सोनभद्र में हुई थी, वहां मेरी पहली इन्वेस्टिगेशन जिसमें मैं आईओ था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, इतने सालों बाद 90 का ही वो मुकदमा है जो समन आया हुआ है, और आज 22 है, 32 सालों बाद, यानी वो मुकदमा अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। मैं उस समन को देख के, मेरे जैसे कहते हैं ना, रोमांचित हो गया मैं कि वाह रे सिस्टम, जो उसमें जो धाराएं लिखी हैं, जो मुकदमा अपराध संख्या लिखा है, उससे जो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि वो जुवेनाइल था, उस समय उसकी उम्र 18 से कम रही होगी, लेकिन आज वो 55 के ऊपर होगा, 60 के आसपास होगा। मुझे कतई याद नहीं है, अब मैं जाऊंगा 22 को, अगर कोई दूसरा कार्य न हुआ तो मैं सोनभद्र जाऊंगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमें पुराने रिकॉर्ड्स दिखाएंगे, मेरे हाथ से लिखी हुई केस डायरी है, वो SC ST एक्ट से संबंधित था शायद, इसीलिए मुझे उसकी विवेचना मिली थी, वो मेरी पहली विवेचना रही होगी, पहली या दूसरी। तो ये तब की बात थी, ये उन दिनों की बात थी, ये उस जमाने की बात थी, उस जमाने की पुलिसिंग और जुडिशियल सिस्टम की बात थी। और आज 20 महीने में एक सब इंस्पेक्टर ने लगकर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के सहारे, उस जमाने में तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे ही नहीं, 20 महीने में अपराधियों को फांसी की सजा सुना दी। मैं एक बार फिर से SI जहांगीर को उसके बहुत अच्छे काम के लिए उसकी प्रशंसा करता हूँ, उसकी उसको बधाई देता हूँ, और आपसे भी आज चूंकि ये मुझे बतानी तो ब्लाइंड मर्डर की एक और स्टोरी थी, एक और क्राइम था, लेकिन इसलिए बताया कि आज ही के दिन SI जहांगीर को उत्कृष्ट विवेचना के लिए गृहमंत्री भारत सरकार का मेडल प्रदान किया गया है। एक बार फिर से उसको बधाई देता हूँ, और किस्सा गोई परिवार के लोगों से यही कहूंगा कि अपराधी चाहे जितना चालाक हो, चाहे जितने सफाई से उसने अपराध किया हो, लेकिन पुलिस की निगाह से बच नहीं सकता। इसके लिए पुलिस की इच्छा शक्ति का मजबूत होना जरूरी है, और उसी के साथ साथ आपकी सतर्कता भी जरूरी है। आप अगर आसपास रह रहे हैं तो आपको जानकारी होगी कि वो किधर से आ सकता है, किधर से जा सकता है, इस रास्ते में किसके किसके यहाँ CCTV कैमरे लगे हैं, किस CCTV कैमरे में किस एंगल पर कौन सा ऊपर लगा है, कौन सा नीचे लगा हुआ है, ये आपको जानकारी है, आप उसी मोहल्ले के, उसी गांव के, उसी कस्बे के रहने वाले हैं, इतनी मदद करिए। आपके अपने घर के CCTV फुटेज में अगर कुछ आता है, आप पुलिस से सीधे संपर्क करके उसे नहीं देना चाहते, आपके पास आज की तारीख में 100 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर कर दीजिए, उस स्टेट की पुलिस की वेबसाइट पर शेयर कर दीजिए, वेबसाइट पर संबंधित जो अधिकारी हैं, जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हैं, उनको व्हाट्सएप कर दीजिए, सारे नंबर आपको थानाध्यक्ष स्तर तक के
हर स्टेट की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो थोड़ा आप सतर्क रहिए, थोड़ा आपको जानकारी रहे, और पुलिस की सतर्कता बहुत जरूरी है। तो कोई भी अपराधी कितना भी चालाक हो, कितनी सफाई से कुछ किया हो अपराध उसने, बच नहीं सकता। ये मैं बार बार कहता हूँ, एक बार फिर कहता हूँ। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।